राजधानी रायपुर में सीएम साय ने सभी के लिए आवास की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से अटल विहार योजना के अंतर्गत गृह निर्माण मंडल की 7 आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि हमारी सरकार के 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा अटल विहार योजना प्रारंभ की जा रही है ताकि जरूरतमंदों को, विशेष रूप से शहरी क्षेत्र के लोगों को, किफायती दर पर मकान उपलब्ध कराए जा सके। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा 1650 आवास बनाए जाएंगे। इसके तहत ही EWS भवनों में 80,000 रुपये और LIG भवनों में 40,000 रुपये की सब्सिडी राज्य शासन द्वारा दी जाएगी। अटल विहार योजना का शुभारंभ किया है, जिसमें 1650 मकान 7 जगहों में बनाए जाएंगे और जो जरूरतमंद लोग हैं उनको दिया जाएगा। इसमें एक तो EWS और LIG, ये 2 तरह के मकान बनेंगे। EWS में बेनिफिशरी को 80,000 सब्सिडी मिलेगी और LIG में 40,000 प्रति मकान सब्सिडी मिलेगा और 1 रुपये में जमीन मिलेगी। तो इस तरह से जरूरतमंदों को सरकार सस्ते में एक अच्छा मकान उपलब्ध कराने का काम करने जा रही है और एक बड़ा कल्याणकारी योजना ही प्रदेश शासन का है।